सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। हम लोगों का आगाध बोध चल रहा है, यह साखी हम लोगों ने ले ली है, फिर भी दो मिनट के लिए देखेंगे। जे वासता पंत में अब ही तो जाग जाग जो जागे तो हरि जन को कारण नाही ब्रह्म ज्ञान सुई भागे। यहाँ पे गुरु महाराज बताना चाहते हैं विषय, जो आज नए आए हुए उन लोगों के लिए एक विषय थोड़ा कठिन है, मगर समझना तो धीरे धीरे समझेंगे ये भी चीज। जे वासता पंत ही पंथ में अभी, यह भक्ति में सद्गुरु का शरणा यह जरूरी है। और सद्गुरु का शरणा यानी सत्स्वरूपी सद्गुरु, सत्स्वरूपी सद्गुरु कहने के लिए तो सद्गुरु बहुत है। गुरु और सद्गुरु संसार में बहुत रहते हैं नाम से, कि भाई मैं भी सद्गुरु, मैं ही सद्गुरु, मैं ही सद्गुरु। गुरु महाराज जो सद्गुरु की बात करते हैं वो सत्ता स्वरूपी सद्गुरु यानि कलाधारी सद्गुरु, यानि जिसके शरण में जाने के बाद कुदरत कला जागृत होती। कुदरत कला जागृत होती, ये खास ख्याल में रखो आप, कुदरत कला जागृत होती। ऐसे सत्स्वरूपी संत यानि सद्गुरु, इनके शरण में आओ आप, इनके शरण में आओ, ऐसे सद्गुरु के शरण में आओ जो कलाधारी है, सत्स्वरूपी कलाधारी है, सत्ताधारी है, जो जिनके शरण में आने के बाद उस सत्स्वरूप के देश में लेके जाया जाएगा। सत्स्वरूप के देश में जाया जाता या होनकार से बाहर निकाला जाता, या होनकार से बाहर निकाला जाता। ऐसे जो सत्स्वरूपी संत है, सद्गुरु है, उनके शरण में जाओ। गुरु महाराज ऐसे सत्स्वरूपी सद्गुरु की बात यहाँ पे कह रहे हैं, ख्याल रख के सुनना, बहुत बढ़िया है। हमने इसके पहले दो सत्संगत इस पे लिए है। जे वासता पंत में अब ही, अब विषय क्या होता है यहाँ, गुरु महाराज क्या बताना चाहते हैं कि ये सद्गुरु है जो आए हुए हैं हंसों को तारने के लिए। हंसों को तारने के लिए आए हुए हैं और इनके शरण में हंस आ रहे हैं और हंस तर भी रहे, तर रहे यानी इस होनकार से बाहर निकल के उस सत्स्वरूप के देश में जा रहे हैं, मतलब हंस तर भी रहे हैं, इस काल के परे जा रहे हैं, काल के देश के परे जा रहे हैं, काल के चुंगुल में से छूट निकल के जा रहे हैं, काल को जीत के जा रहे हैं। ऐसे सत्स्वरूपी संत के शरण में आने के बाद फिर जब तक ये सत्स्वरूपी संत है तब तक जो जो शरण में आ रहा, जो जो शरण में आ रहा वो सब उस सत्स्वरूप के देश में जा रहे। और फिर कैसा रहता साधारण, कि जैसे संत सद्गुरु जब दुनिया में आते तो उनकी चर्चाएं होती रहती, उनकी चर्चाएं होती, उनकी बड़ाई होती, लोग उनके शरण में आते और में कारवा चलते रहता, मतलब वो मार्ग चलते रहता, बहते रहता मार्ग, लोग आते रहते, लोग आते रहते, लोग आते रहते, शरण में आते रहते। फिर सत्स्वरूपी संत ज्ञान देते रहते, ज्ञान देते रहते, ये शिष्य ज्ञान सुनते, रामस्मरण करते मोक्ष में जाते, रामस्मरण करते मोक्ष में जाते, रामस्मरण करते मोक्ष में जाते, ऐसा चलते रहता। कुछ दिन के बाद यह सत्स्वरूपी संत जो सद्गुरु है, जो कलाधारी है, यह कुदरत कला देने वाले जो संत है, इनका शरीर छूट जाता। शरीर छूटने के बाद ये तो चले गए, फिर भी लोगों का आना चालू ही रहता, यानी यह मार्ग जो है यह मार्ग चालू ही रहता। फिर यह जाने के बाद वहां पे एक छोटा सा मंदिर जैसा बना देते या फिर समाधि स्थान बना देते, और समाधि स्थान बना के वहाँ पे फूल चढ़ाते वगैरह वगैरह वगैरह, फिर परिक्रमा मारेंगे उस चीज़ को,
परिक्रमा मारेंगे और वहाँ पे फिर ज्ञान चर्चा होंगी, सब चीज़ें होंगी, होते रहती और लोग आते रहते, लोग आते रहते, लोग आके चर्चा करते रहते कि बहुत अच्छे संत थे, बहुत अच्छे संत थे, हमारे गुरु महाराज ऐसे थे, हमारे सदगुरु ऐसे थे, वगैरह वगैरह। उनको देख के नए लोग भी आते, नए लोग भी इन यह जो लोग हैं, यह जैसी यह संत की तारीफ करते वैसे नए लोग भी तारीफ करते, तारीफ करते तारीफ करते तारीफ करते, मगर यह संत चले गए। गुरु महाराज यहाँ कहना क्या चाहते हैं, तो जे वा सता संत, जे वा सता पंथ में अभी, मगर अब वो पंथ चालू हो गया, संत तो चले गए मगर पंथ बन गया, उस संत के नाम पे पंथ बन गया, यक्ष के यक्ष संत जो है उनके नाम पे पंथ बन गया। फिर लोग कहते हैं भाई तुम कौन सी भक्ति करते हो, तो हमारे यक्ष संत है उनकी भक्ति हम करते हैं। अब संत तो चले गए, आप ख्याल में लाओ बात क्या कहना चाहते हैं, संत तो चले गए पर यक्ष संत की भक्ति करते, तो पंथ चालू हो गया बेना, लोग आ रहे हैं तारीफ कर रहे हैं, वहां पे जो भी समाधि है उस समाधि के दर्शन ले रहे हैं, वाणी पढ़ रहे उस संत की, भजन गा रहे उस संत के, सब कर रहे हैं, मगर गुरु महाराज कहते हैं कि इससे भक्ति उपजती नहीं, उपजती नहीं मतलब वह सत्स्वरूप की सत्ता प्रकट नहीं होती। जे वा सता पंथ में अब ही तो जाग जाग जो जागे, अगर संत अगर पंथ में अगर सत्ता रहती, सदगुरु चले गए नगर पंथ में सत्ता रहती तो यहाँ पे भी लोगों के दसवें द्वार पे ध्वनि चालू रहती, दसवें द्वार पे ध्वनि जागृत होती, अखंड ध्वनि चालू रहती, कंठस्थान में नए अक्षर की प्राप्ति होती, यहाँ पे भी होती। तो हरिजन को कारण अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो हरिजन का कारण ही नहीं रहता, हरिजन यानी वो सत्स्वरूप संत, इसका कारण ही नहीं रहता कि आने का, कि क्यों आना उन्होंने, जब पंथ में सत्ता है तो बस पढ़ लो बाणी जी, रामस्मरण कर लो और उस सत्स्वरूप में चले जाओ, मगर ऐसा है नहीं। गुरु महाराज ये कहना चाहते हैं ऐसा है नहीं, यह यह पंथ से तो जाग जाग जो जागे, तो हरिजन को कारण नाही भ्रम ज्ञान सुई भागे। हमारे भ्रम तो ज्ञान से भग जाएंगे, बाणी जी से, बाणी जी से भ्रम तो भग जाते, कौन से भ्रम, कि भाई तीन लोगों की भक्ति नहीं करनी चाहिए, मोक्ष रामस्मरण करने से मिलता है, तुम्हारे सब कर्म कटने चाहिए तो मोक्ष मिलता है, ऐसे ऐसे स्थान हैं ये स्थान तुमने छेदन करने चाहिए तो मोक्ष मिलता है, स्थान फिर त्रिगुटी आती है, फिर दसवें द्वार आता है, ये सब बातें हमको समझ में आती है, मगर जागृति होती क्या? जब तक जागृति नहीं होती तब तक हमारे कोई भी काम की चीज वो नहीं, समझ में आए बस। और जागृति कब होगी? जब सत्स्वरूपी संत अरुबरु हयात में है, हयात में है तो ही जागृति होती, नहीं तो जागृति होती नहीं। इसलिए खाली पंथ चल रहे हैं वहां पे वो चीज बंद नहीं रही है, संत है ही नहीं तो पंथ आप छोड़ दो। गुरु महाराज ने स्पष्ट शब्द में कहा कि ऐसे पंथ आप छोड़ दो। जे वासता पंथ में अब ही तो जाग जाग जो जागे, तो हरिजन को कारण नाही भ्रम ज्ञान सुई भागे। भ्रम तो ज्ञान से ही भग जाते, मगर वह ऊपर ऊपर के जो भ्रम हैं वो तो भग जाएंगे, मगर जो अंदर के जो 10 जो दरवाजे हैं वो 10 दरवाजे बिना संत के खुलते नहीं, जो 12 जो दरवाजे हैं, जो दसवें द्वार जो है ये बिना सदगुरु के खुलता नहीं, बिना नयनचर के खुलता नहीं, और नयनचर सदगुरु से ही मिलता, नयनचर वाणी पढ़ने से या फिर भजन गाने से मिलता नहीं, ये चीज है। क्या कहते गुरु महाराज, क्या कहते आगे, जो हद पड़ी संत उन्हीं में, जो हद पड़ी संत उन्हीं में, आगे चली न कोई तो तारण हार संत ही जग में, और उपाय न कोई। आप सोचो, गुरु महाराज कहते कि आप सोचो, अगर कोई संत
हयात में था और उसके साथ उसके बाद उसके पास शिष्य आते थे, तो इनमें भी जैसी ये संत में सत्ता जागृत थी, ऐसी की ऐसी सत्ता यह शिष्यों में भी हो जाती थी, शिष्यों में भी आ जाती थी, नयनचर की प्राप्ति हो जाती थी। और नयनचर की प्राप्ति होके यह बारह स्थान छेदन होके अखंड ध्वनि लग जाती थी। जब ये संत सदगुरु हयात में थे तब इनके शरण में आने के बाद ऐसी चीज बनती थी। अगर हद अब हद पड़ गई, हद पड़ गई यानी यह सत्स्वरूपी संत जो सदगुरु है इनका शरीर छूट गया, अब हद पड़ गई, शरीर छूट गया, शरीर छूट गया तो उनके साथ उनकी सत्ता भी चली गई, सत्ता भी चली गई। आगे चली न अब इनके नाम से जो पंथ बह रहे हैं, इनके नाम से जो पंथ बह रहे, इनके नाम से जो पंथ बह रहे हैं, यह पंथ में अगर कोई चल रहा है और सदगुरु है ही नहीं, यह पंथ में अगर चल रहा है कोई सदगुरु अगर हयात में है ही नहीं तो यह इनमें वो चीज बनती क्या? यह आप देखो, अखंड ध्वनि लगती है क्या? अगर अखंड ध्वनि लगती नहीं है तो आप यह समझो कि तारणहार फिर सदगुरु ही है। ख्याल में आए क्या चीज? थोड़ा कठिन है, पहले विषय से लगा के जोड़ के है ये चीज। तो तारणहार संत ही जुग में और उपायन कोई, छोटी सी भाषा में इसमें गुरु महाराज ने यह कहा हुआ है कि यह जो सदगुरु है उनका रहना जरूरी है, सदगुरु के शरण में जाना, सदगुरु के शरण में जाना यानी सदगुरु रहना जरूरी है, तनधारी सदगुरु रहना जरूरी है, बस ये छोटी सी भाषा में कहा है। और उपतो तारणहार संत ही जग में, उनके जो क्या बोल रहे पंथ जो चलते हैं नाम से, अब यहाँ अब भी काफी नाम से पंथ चलते हैं कि वो संत तो चले गए मगर पंथ चल रहा है उनके नाम पे, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, वो पंथ वो संत का संत की मोक्ष तिथि होती, जन्म तिथि होती, सब हो रहा होते रहता है। इसमें वह चीज नहीं मिलती जो हयात में सदगुरु थे तब मिलती थी, कुदरत कला, यह कुदरत कला इसमें प्राप्त होती नहीं। क्या कहते हैं आगे देखो आप, समझो सकल नार नराणी पंथ अगला त्यागो, ऐसे जो पंथ है, देखो गुरु महाराज यहां क्या चेताना चाहते हैं कि समझो एक यक्ष संत होके गया, सदगुरु होके गए, इनका एक पंथ चल रहा है, इनका एक पंथ चल रहा है, लोग आ रहे जा रहे, वाणी पढ़ रहे स्मरण कर रहे, दूसरा एक वाय संत होके गया, सदगुरु होके गया, इनका भी एक पंथ चल रहा है, नाम है अलग, लोग आ रहे जा रहे, तीसरा एक झेड़ सदगुरु हो गए, इनका भी एक पंथ चल रहा है, लोग आ रहे जा रहे, गुरु महाराज यहाँ बैठे हुए हैं और यह सब देख रहे हैं और देख के इनको बोल रहे हैं कि यह यक्ष संत में यह यक्ष संत चले गए, वाय संत में वाय संत चले गए मगर उनके नाम से पंथ बह रहे हैं, उनके नाम से पंथ बह रहे, ख्याल में आ रही क्या चीज? तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि समझो सकल नार नरानी, यह सब नर नारी ये पंथ में बहने वाले, सब नर नारी यह पंथ में बहने वाले, सब नर नारी और संसार के सब नर नारी, पंथ अगला त्यागो, ये पहले के पंथ आप त्याग दो यानी छोड़ दो, क्योंकि इसमें आपका काम नहीं होने वाला। जब तक सदगुरु आपके शरण में आप आते नहीं, सदगुरु तनधारी जीते जीते जागते जो तनधारी सदगुरु है जिनमें वह ताकत है, कौन सी ताकत कि आने वाले शिष्य के घट में नयनचर की प्राप्ति करा दे, यह जो ताकत है, तब जब तक ऐसे सदगुरु आपको मिलते नहीं यह पंथ में आपका काम होता नहीं। तो पंथ अगला त्यागो, वैसे ही संत प्रगटे जन में ताके चरणा लागो, जैसे यक्ष संत थे जैसे वाय संत थे ऐसे ही संत जब युग में प्रकट होंगे या हुए होंगे या हो रहे होंगे उनके शरण में आके लगो भाई। और फिर गुरु महाराज कहते हैं आगे कि आपो खोज समझ सो कीजे मैं उनमें हूं भाया, आप समझो सोचो और विचार करो,
विचार करो, विचार करके यह सोचो कि यह मैं अब उनमें हूं, यानी ऐसे जो यक संत आके गए, ऐसे जो वाय संत आके गए, अब मैं आया हूं। ख्याल में आ रही क्या चीज? ऐसे जो यक संत आके गए, ऐसे जो वाय संत आके, अब संत चले गए, पंत बह रहे। गुरु महाराज कहते हैं ये पंतों को छोड़ो आप, और ऐसे संत जो थे ऐसा ही मैं अभी संत आया हूं, मेरे शरण में आओ तो आपका काम हो जाएगा, मेरे शरण में आओ तो आपका काम हो जाएगा। पंथ आगला त्यागो, क्योंकि मेरे पास अभी कुदरत कला है। यह जो पंथ में कुदरत कला नहीं है, यह पंथ में कुदरत कला देने वाला कोई नहीं है, फिर कुदरत कला है नहीं। अभी मेरे पास कुदरत कला मैं दे सकता हूं, मैं दे सकता हूं, तो मेरे शरण में आओ। गुरु महाराज ये कहना चाहते, मैं उण में हूं भाया, आगे हंस तार जन ले गया, अब मैं तारण आया, अब मैं तारने को आया हूं। जैसे पहले यक संत होके गए, वाय संत होके गए, जेठ संत हो गए और अनेक संत होके गए, ऐसे संत जब वह देहधारी थे, हयात में थे, तब उन्होंने बहुत हंसों को तारा, मगर वो जाने के बाद उनके सिर्फ पंथ बहते रहे, हंस कोई तैरा नहीं, हंस का कोई किसी का तरना हुआ नहीं। अगर आपको अभी तरना है तो मैं एक्स वाई और जेड के संत जैसा हूं, आप मेरे शरण में आओ, मैं आपका काम कर दूंगा। अब मैं तारण आया, मैं होद्दा लेके आया हूं उस सत्स्वरूप से, मैं लाइसेंस लेके आया हूं उस सत्स्वरूप से कि मैं अभी आपको तारूंगा, तारने का होद्दा लेके आया हूं। क्या कहते हैं आगे? दर्शन भेष जगत नर नारी, दर्शन भेष जगत नर नारी, सब मुझे पासे आओ, राव रंग सकल कोई तारू, आसत शरण संभाओ। क्या कहते? फिर गुरु महाराज कहते हैं कि पंथ के लोगों कुछ बोला क्या? खाली फिर ये पंथ के लोगों कुछ बोल रहा क्या? तो गुरु महाराज ने सबको बोल दिया कि जिनको जिनको मोक्ष में जाना है, जिनको जिनको उस सत्स्वरूप में जाना है, जिनको जिनको उस परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ऐसे जो हंस है संसार में, वह सबके सब हंस, दर्शन छे दर्शनी, साधु सन्यासी फकीर वगैरह वगैरह, छे दर्शनी, भेष यानी भेषधारी, जो भेषधारी संत रहते दुनिया में घूमते रहते, जगत नर नारी, और संसार में जितने भी नर है और जितने भी नारी है, यानी सभी हो गए, होनकार में जितने भी है नर नारी, वो भले ही छे दर्शनी रहो, भेषधारी रहो, जोगी रहो, जंगम सन्यासी फकीर ब्राह्मण, या फिर योगी रहो, साधना करने वाले रहो, जो भी कोई रहो, गुरु महाराज कहते कि सब मुझे पास आओ, मेरे पास आओ, सब मेरे पास आओ। राव रंग सकल कोई तारू, अगर कोई गरीब है तो उसको भी मैं तारूंगा, और कोई रईस है मतलब राजा है तो उसको भी मैं तारूंगा। आ सत्य शरण संभाओ, यह मेरे पास जो सत की शरण है, मेरे पास सत्स्वरूप का बीज है, मेरे जो घट में कुदरत कला जागृत है, मेरे घट में कुदरत कला जागृत है, यह कुदरत कला जागृत है, 24 घंटे अखंड ध्वनि लग रही है। मैं सदगुरु की पदवी लेके आया हूँ, सदगुरु का लाइसेंस लेके आया हूँ, तो आप अब जो भी कोई पंथों के लोग, संसार के लोग, कोई ज्ञान पकड़े हुए लोग, कोई अलग अलग ध्यान पकड़े हुए लोग, हठ योग साधना करने वाले, सब के सब मेरे पास आओ, और मेरा जो सही शरणा है, सही शरणा यानी परमात्मा का शरणा, परमात्मा का शरणा हमने देखा है उस दिन, परमात्मा यानी सत्स्वरूप, सत्स्वरूप ही सदगुरु है और सदगुरु ही सत्स्वरूप है, सत्स्वरूप ही कुदरत कला, कुदरत कला और कुदरत कला ही सदगुरु है और नैयंचर ही सदगुरु है। ऐसे जो सदगुरु है, यह सदगुरु के शरण में आप आओ, यानी मेरे पास आओ। राव रंग सकल कोई तारू, यह आपको मैं सबको तारूंगा। आसत शरण संभावो, यह सत की जो शरण है, यह सही शरण जो है, यह शरण को शरण आओ, यह शरण, यह मेरे मुझे शरण आओ, यह सत की शरण लो आप, ऐसा गुरु महाराज इसमें कहना चाहते हैं। क्या कहते हैं देखो, चूको मति सत कर्मानु, गुरु महाराज कहते हैं कि आप बिल्कुल चूको मत,
चुको मत याने, देखो यह तो संत चले गए, मार्ग चल रहे हैं, रास्ते चल रहे हैं, मगर संत तो चले गए तो आपका काम तो बनने वाला है नहीं, काम बनने वाला है नहीं। लोग घूमते रहेंगे, जाते रहेंगे, पंथों में घूमते रहेंगे, वह जहाँ पे वो समाधि है समाधि के आजू बाजू घूमते रहेंगे, हर जल जन्म के दिन मोक्षर के दिन वहाँ पे आते रहेंगे, मेले मेले चलते रहेंगे और वाणियाँ भी पढ़ते रहेंगे, खाना पीना भी होता रहेगा, मगर मोक्ष नहीं मिलता। ऐसे कितने ही लोग मर भी गए होंगे जो यह समझ के भ्रम में कि मैं वो पंथ में लगा था और मैंने 10 बार उस स्थान पे जाके आया, धाम पे जाके आया, और मैंने 10 बार वो वाणी जी पढ़ी, और मैंने ऐसा किया, वो पंथ में लगा था मैं, यह भ्रम में रह गया वो कि मुझे मोक्ष मिल गया और शरीर उसका छूट भी गया होगा, शरीर उसका छूट गया। ऐसे बहुत लोग होंगे कि जो पंथों में घूमे और मर गए, आखिर में उनको वह सत स्वरूप नहीं मिला, मतलब मोक्ष हुआ नहीं। तो गुरु महाराज कहते कि मैं अभी आया हूं मोक्ष देने के लिए मैं अभी आया हूं। तो चूको मती, ऐसे जब संत सामने आ जाते हैं, मतलब धरा पे आ जाते हैं, पृथ्वी पे आ जाते हैं, तो आप चूकना मत, चूको मती, यानी ये चांस मिला है आपको, चांस शरण में आने का, ये आप गमाओ मत, क्योंकि ऐसे कुदरत कला धारी संत जो दूसरों के तन में, दूसरों के घट में कुदरत कला प्राप्त करा सकते, ऐसे जो कलाधारी संत है यह कभी तो भी आते संसार में, हमेशा आते नहीं, यह कभी तो भी आते संसार में। और आपको अगर दिख रहे हैं कि ऐसे संत संसार में आए हुए हैं, तो आप उनका शरण लो, चुको मती, सत कर मानो, यह संतों को आप सत करके मानो, इनकी इनमें जो सत्ता चल रही है वह सत्ता को आप सत करके मानो। परमात्मा को आप सत करके मानते हो, परमात्मा ऐसा नहीं आता है, परमात्मा संतों के रूप में आता है जो गुरु महाराज आए हुए हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि परमात्मा संतों के रूप में आते हैं और मैं अब आया हूं संतों के रूप में, परमात्मा समझ परमात्मा बनके, अब यह मेरी सत जो शरण है यह शरण आप लो, यह शरण लेने में चूको मती, गोल्डन चांस है, आप गोल्डन चांस को छोड़ो मत। छोटी सी भाषा में चूको मती सत कर मानो जे आनंद पद चाहो, जिसको आनंद पद चाहिए, जिसको सत्स्वरूप चाहिए, देखो आप आनंद पद यह होनकाल यह ब्रह्मा विष्णु महेश के देश, यह 33 कोटि देवी देवता का स्वर्ग, यह परब्रह्म का देश, और इसके परे फिर वो सत्स्वरूप का देश है, आनंद पद है, इसके परे वो सत्स्वरूप का देश है, आनंद पद है, यानी परमात्मा का पद, सत्स्वरूप का पद। तो जो आनंद पद चाहो, अगर किसको परम मोक्ष से चाहिए, अगर किसको सत्स्वरूप का देश चाहिए, अगर किसको इस होनकार से निकलना है, इस काल के देश से निकलना है, इस 84 लाख योनियों से निकलना है, यह नरक से निकलना है, यह गर्भ के दुखों से निकलना है, जिसको हमेशा के लिए सुखी बनना है, ऐसे जो जीव है वह चूको मत, यह जो चांस है वो चांस छोड़ो मत। जे आनंद पद चाहो डाकर पड़ो जगत को छाड़र तो घट पर चो पाओ, ऐसे आप चूको मत, डाकर पड़ो जगत में जगत को छाड़र, यानी गुरु महाराज कहते हैं कि जो आप संसार में लगे हुए हो, देखो कैसी बात है, सोचने जैसी बात है। एकादा चांस ढूंढते रहता, बहुत मेहनत करता पैसे कमाने के लिए रात दिन लगा रहता, और कमा कमा के भी कितना कमा लेगा,
समझो कुछ कमा भी लिया उसने, और एकादे दिन ऐसा चांस होता है उसको कि उसमें अगर उसने दिमाग लगा लिया तो कमाई हजारों गुना आ जाती है एकदम एक ही दिन में हजारों गुना कमाई हो जाती है उसकी। यह अगर चांस उसने छोड़ दिया तो फिर पछता था, कहने एकदम रईस हो जाता था, एकदम खजानेदार हो जाता था, एकदम रईस हो जाता था, मगर उसने वो चांस छोड़ दिया। ऐसे ही गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि सभी लोगों को मोक्ष की चाहना है, सभी लोगों को मोक्ष की चाहना है। देखो बात कैसी है, आप समझो, यह आदमी लो, आप संसार के कोई भी आदमी ले लो, आप चलो यहाँ ओंकार में बैठे हुए हैं, सभी भक्ति कर रहे हैं, सभी को मोक्ष की चाहना है, मतलब सभी को परमात्मा में मिलना है। जो बोल रहा किसकी भक्ति करता हूं तो परमात्मा की भक्ति करता हूं, कहां जाएंगे शरीर छोड़ के, तो परमात्मा में मिलूंगा, मोक्ष में जाऊंगा। अब यह मोक्ष में जाने की भक्ति कर रहा है मगर सही में मोक्ष में जा नहीं रहा, भक्ति तो कर रहा, जब मर जाता तो वापस 84 लाख योनियों में आता, नरक में आता, यहाँ देवी देवता में भटकता, यही घूमता, इसके परे नहीं निकलता। और लगा काय में है, धर्मों में लगा है और कर्मों में भी लगा है। कर्म, माँ बाप, अपने काम धंधा, सब यह जो चीज है, सब जो काम धंधे है, माँ बाप, जो बाकी जो चीज है, अपना परिवार, यह सब इसमें लगा हुआ है, कर्मों में लगा हुआ है। अब आप ख्याल में लाओ चीज, यह एक आदमी है जो आदमी रात दिन अपने प्रपंच में लगा है, रात दिन अपने प्रपंच में लगा है, 24 घंटे अपने प्रपंच में लगा हुआ है, सेवा करना वगैरह 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 सब करना, कमाना खाना लोगों को खिलाना सबको, ऐसा लगा हुआ है। अब और भक्ति भी कर रहा है, भक्ति यानी कोई तो भी एक आधा पंथ लेके बैठा हुआ है, वो पंथ में चलता है अपना रेगुलर, कि जैसे गुरुवार को वहाँ बैठक होती है तो गुरुवार को बैठक करने जाएगा, वहाँ की मोक्ष स्थिति होंगी तो मोक्ष स्थिति में जाएगा, वहाँ की जन्म स्थिति होती है जन्म स्थिति में जाएगा, उनके संतों की वाणी पढ़ेगा, ऐसा लग रहा है, बिल्कुल लगा हुआ है। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि जब तक ऐसे कलाधारी संत नहीं आते तब तक इसका काम होता नहीं। ख्याल में आ रही क्या बात, जब तक इसका काम होता नहीं। गुरु महाराज कहते हैं कि यह चांस है इस आदमी के लिए, ऐसे हजारों ऐसे अनेकों हंस है संसार में जो यह चीज करते, कोई तो भी पंथ पकड़ लेते उसमें अपने चलते रहते, घर संसार का काम करते रहते, वह पंथ की भक्ति करते और अपेक्षा रखते कि मुझे मोक्ष मिल जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं मोक्ष ऐसा मिलता नहीं, मोक्ष अगर आपको चाहिए तो कुदरत कला जिनके पास है ऐसे संत धारण करना पड़ेगा। चूको मति सत कर मानो, आप चूको मत, सत मानो और शरण में आ जाओ। कैसे शरण में आओ, डाकर पड़ो जगत को उछाड़। देखो कितना पसारा इसने किया हुआ है, देखो आप इस पर से देख लो आप, माल धन संपत्ता माँ बाप रिलेशन सब बिल्कुल, बाकी 33 कोटि देवी देवताओं की भक्ति है, बाकी और भक्ति है, फिर पंथन ये वो मतलब एक सेकंड भी वो खाली रहता नहीं, इतना पसारा उसने किया हुआ है। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि डाकर पड़ो, यानी इनको सबको छोड़ दो, इनको सबको छोड़ दो और मेरे शरण में आ जाओ, बस सत का शरण ले लो, आपका काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका काम, यहाँ पे नयन शरीर की प्राप्ति हो जाएगी और 6 पूरब के स्थान और 6 पश्चिम के स्थान छेदन होकर अखंड ध्वनि लग जाएगी और आपको सत्स्वरूप, वह सत्स्वरूप जो है वह सत्स्वरूप जीते जी मिल जाएगा, जीते जी, मरने के बाद नहीं, जीते जी मिल जाएगा। मतलब डाकर पड़ो, डाकर पड़ो यानी जैसा डोह रहता, डोह पानी, ऐसा खोल पानी रहता, खोल पानी जिसमें ऐसे कपारा रहती, जिसमें डोह रहता, ऐसा पानी भवरे रहते उसमें, ऐसे जो तैरने वाले रहते वो चिंता नहीं करते, दन करके कुदी डाल देते, या फिर कोई मतलब कोई कोई ऐसे भी लोग रहते कि जो डाकर यानी आजू बाजू की कुछ भी चिंता नहीं करेंगे कि मेरे पिताजी मेरी राह देख रहे होंगे, मेरी माँ मेरी राह देख रहे होंगी, जो भी है सामने टारगेट क्या है बस इसमें कुदी डालना है, कुदी डाल दी, कोई भी कारण हो, किसी को बचाना हो, किसी को कुछ करना हो, किसी को कुछ करना हो, उसने छलांग लगा दी, उसने आज आगे पीछे का कुछ भी सोचा नहीं। डाकर पड़ो यानी इसको डाकर पड़ो कहते, मतलब जो भी तुम प्रपंच में लगे हुए छोड़ दो, छोड़ दो यानी वहां से भक्के आ जाओ, ऐसा है क्या विषय, ऐसा विषय नहीं है, छोड़ दो यानी इसमें से मन निकाल लो पूरा का पूरा और पूरा मन सदगुरु के शरण में अर्पण कर दो,
इसमें से सब मन निकालो, मन निकाल के सदगुरु के चरण में अर्पण करो। डाकर पड़ो जगत को उछाड़, जगत यानी उस जगत को छोड़ दो, आप संसार को छोड़ दो। तो घट पर चो पाओ, जब आप ऐसा करोगे, जब आप ऐसा करोगे तो ही आपको पर्चा मिलेगा। ये आप यहाँ पे ये भी चीज ख्याल में रख लो कि जब आप ऐसा करोगे कि तो ही पर्चा मिलेगा, मतलब सब छोड़ दो, अगले पंथ छोड़ दो, बाकी आप कर्म धर्म जो है वो छोड़ दो और सीधा बिल्कुल विश्वास रखो, और विश्वास रख के आप शरण में आ जाओ, सत के शरण में आ जाओ, तो आपके घट में पर्चा मिल जाएगा, आपके घट में नयनचर की ध्वनि चालू हो जाएंगी कंठ में और पर्चा मिल जाएगा आपको। अगर आपने केस बराबर अंतरा भी रखा कि मैं ये भी करता हूँ और ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, तो आपको वो चीज़ मिलती नहीं। ये चीज बहुत ख्याल में रखने जैसे, तो घट पर चो पाओ। क्या कहते गुरु महाराज, देखो आगे, जो जो संत मांड में आया, जो जो संत मांड में आया, हंस तारण को सोई, जो जो संत मांड में आया, हंस तारण को सोई, से देह दूसरे इसमें होगा सभी तरह तो से देह, जो जो संत मांड में आए। गुरु महाराज कहते पहले भी देखो आप, पहले भी संत आके गए मांड यानी जगत में, यह जगत में बहुत संत आके गए, केवली संत बहुत होके गए, केवली संत पहले भी बहुत होके गए, बहुत होके गए, मांड यानी जगत, मांड यानी जगत, यह पूरे जगत में केवली संत बहुत होके गए। जो जो संत मांड में आया, हंस तारण को सोई, गुरु महाराज होने के पहले भी बहुत संत आगे गए हंस तारने के लिए, मतलब यह ओंकार से हंसों को बाहर निकाल के उस सत्स्वरूप के देश में, उस परम मोक्ष में, उस अमर अमर सुखों के देश में ले जाने के लिए बहुत संत आगे गए। हंस तारण को सोई, हंस तारने को आए, हंसों का उद्धार करने के लिए आए। से देह थका निंद्या जग की वी, देखो आप इतने संसार में कितने लोग हैं, सभी त्रायमान 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 कर रहे हैं कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे इस जंजाल से बाहर निकलना है। यह आदि व्याधि उपाधि है, आदि मन के दुख, व्याधि शरीर के दुख यानी तन के दुख, और उपाधि यानी आके पड़ने वाले दुख। यह जो दुख है, यह गर्भ का दुख, यह मरने का दुख, यह जन्मने का दुख, यह 84 लाख योनियों का दुख, यह दुख से बाहर निकलना है, यह दुख से बाहर निकलना है। सभी हंसों का, सभी हंसों की त्रायमान त्रायमान परिस्थिति है और सभी चाहते हैं कि मैं इनसे बाहर निकलूं और हमेशा के लिए सुखी बन जाऊं। तो हमेशा के लिए सुखी बनने के लिए जाना कहाँ पड़ता, इस होनकाल को छोड़ना पड़ता, जो कर्मों का देश है, जहाँ पे कर्म ही चलते हैं, भोगना पड़ता पाप रहो या पुण्य रहो। यह कर्मों को दे, कर्मों को देश के, कर्मों के देश को छोड़ के निकर्मी बन के, निकर्मी बन के उस सत्स्वरूप के देश में यानी परम मोक्ष में जाना पड़ता, परम मोक्ष में जाना पड़ता तो ही काम बनता, नहीं तो काम बनता नहीं। ऐसे बहुत संत आके गए परम मोक्ष में ले जाने के लिए और बहुत संतों ने परम मोक्ष में जीवों को लेके गए। गुरु महाराज कहते अनंत संत वहां पे, अनंत कोटि सत्स्वरूपी संता ने, धन्य हो धन्य हो, वहां पे अनंत कोटि संत है। तो भी गुरु महाराज फिर यहाँ तो अनेक संत होके गए जिन्होंने वहां पे लेके गए, मगर परिस्थिति क्या है कि अब यह एक संत आए, समझो पहले कभी भी एक जमाने में एक संत आए, बात समझो आप, तो यहाँ पे तो हजारों लोग थे, हजारों लोग थे जो मोक्ष की चाहना करते थे, मगर हजार लोग शरण में आए क्या? शरण में आए 10 लोग 20 लोग 100 लोग 1000 लोग, पर इतने जो संसार में लोग हैं यह शरण में आए नहीं। जो जो शरण में आए उनका काम हो गया, निज मन से जो शरण में आए उनका काम हो गया, और बाकी लोगों ने क्या किया? निंदा की, निंदा निंदा की, संतों को दुख दिया, संतों को गाली गलौज की, संतों को मारा पीटा, संतों के बारे में अनेक गलत चीजें फैलाई, तो भला बुरा कहा। तो देह था क्या निंदा जग की भी, जब देह से संत थे तब लोगों ने निंदा की, जब देह से थे तब काम हो रहे थे,
तब सत्स्वरूप में जाना हो रहा था, सत्स्वरूप में जाया जाता था उनके शरण में आने के बाद, पर उनके शरण में तो नहीं आए, उनकी निंदा की, उनको नीच कहा, उनको लोगों को उनके शरण में जाने के लिए मना ही किया, उनको मारा तब। से देह थक्या निंदा जग की भी चरणा पड़या न कोई, मगर चरण में कोई गया नहीं, मतलब शरण में कोई गया नहीं, मतलब खुद का नुकसान किया, छोटी सी भाषा में खुद का नुकसान किया। गुरु महाराज यहां कहना क्या चाहते, देखो आप बात ख्याल में लाओ कि ऐसे जो संत है, ऐसे जो संत जब मांड में आ जाते हैं, जो कलाधारी है, यह कलाधारी संतों के शरण में आप तुरंत आ जाओ जल्दी आ जाओ। लोग आते नहीं, दूर से देखते और निंदा करते, यह गोल्डन चांस का फायदा तो लेते नहीं, उल्टी निंदा करते, और निंदा करके होता क्या, खुद का नुकसान होता, लोगों का भी नुकसान कराते, और क्या होता था, आगे देखो, चरणा पड़या न कोई पाचे शकल करे जग महिमा। जब शरीर छूट जाता ऐसे कलाधारी संत का, जिन्होंने अनेक हंसों को तारा, मतलब उस मोक्ष में भेजा जीते जी, जब वो जीते जी हयात में थे, उन्होंने अनेक संतों को मोक्ष में भेजा, उन्होंने वाणी लिखी, ज्ञान लिखा, ज्ञान कथा, खुद के अनुभव लिखे, उसमें भजन लिखे, बाकी सब बातें, फिर यह जो संत थे, जो इनके शिष्य थे, यह शिष्यों ने वहां पे धाम बनाया जहां पे संत रहते थे, उनकी वाणी पढ़ना चालू किया और भजन गाना चालू किया, यह सब मार्ग चालू हो गया, मार्ग यानी पंथ चालू हो गया। आप ख्याल में लाओ चीज, क्या कहना चाहते, पाछे सकल करे जग महिमा। जब संतधारी, जब अरुबरु सामने थे, जब शरीर से हयात में जिंदे थे, जिनके पास कला थी, वह जब कला थी, लोग शरण में आए नहीं, निंदा की उल्टी, मगर शरीर छूटने के बाद लोगों ने महिमा करना चालू की, पाछे सकल करे जग महिमा। शरीर छूटने के बाद महिमा करना चालू की कि वो संत ऐसे थे, वो संत बढ़िया थे, और वो संत के शरण में गया तो मोक्ष मिलता था, संतों ने बाणी बहुत अच्छी लिखी, और बाणी में साख्या कितनी मस्त लिखी है, साख्या तो बहुत अच्छी है, हम ही बोलते बहुत बढ़िया साख्या है, बहुत अच्छी साख्या है, वगैरह वगैरह वगैरह, आप सुनते रह जाओ, कितना ज्ञान भरा है और बहुत अच्छा लगता, वगैरह वगैरह, मगर मोक्ष मिलता नहीं। पाचे सकल करे जग महिमा, धरड़े सकल सरावे, धरड़े यानी पंथ मार्ग, यह जो पंथ है, यह जो मार्ग है, यह जो आदत हुई है लोगों को कैसी, कि पहले यह संतों की तारीफ करते, और इनको देख के लोग भी तारीफ करते कि हमारे संत ऐसे, और वो मार्ग पे चलते, इसको धरड़ा बोलते। ऐसा धरड़ा मतलब कैसा, देखो आप ख्याल में लाओ चीज, अगर आपको ख्याल में आ रही है क्या चीज, तो जब संत थे, सदगुरु थे, तब कोई शरण में आया नहीं, जब काम हो रहा था तब कोई शरण में आया नहीं, जब संत चले गए, उल्टी यहां पे निंदा की, जब संत चले गए, फिर उनके पीछे वहां पे एक समाधि बना दी, और वाणी का वाचन चालू हो गया, ऐसा एक मार्ग चालू हो गया, और ये मार्ग में यह संत का नाम दे दिया कि यक संत के पंथी है हम, यक संत के पंथ पे चलते हैं, और वाणी पढ़ पढ़ के यह संत की तारीफ करने लगे, वो संत ऐसे थे, यह इनको बहुत अच्छा लगता, किनको, यह लोगों को, संत तो चले गए, यह लोगों को बहुत अच्छा लगता, मगर इसमें काम नहीं होता। गुरु महाराज ये कहते हैं, क्या कहते हैं, कि उसमें काम होता नहीं, जामे काज नहीं कुछ काई, सो सबके मन भावे,
जिसमें काम होता नहीं वो सबके मन में भाता है, और जब काम होता था तब शरण में नहीं आता था। बैठे संत लोगों को बुला रहे, आओ आओ मेरे पास आओ, मेरे यहाँ काम होता है, सत्स्वरूपी संत हूँ, आपको भी सत्स्वरूप में लेके जाऊंगा। मेरे जैसे बहुत पहले संत होके गए, उनके मार्ग चल रहे हैं, मगर वहाँ पे काम होता नहीं, आप मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, गरीब रहे तो भी आओ, श्रीमंत रहे तो भी आओ। हिला दे दे के वो बोल रहे हैं, बता रहे, मगर लोग दूर से, अरे ये क्या करेगा, अरे हम तो वो संत की पूजा करते, वो पंथ में हैं, हम तो ऐसा करते, उल्टी निंदा करते। निंदा करके हुआ क्या, उनका गोल्डन चांस तो चले गया, क्योंकि ऐसे संत बार बार पृथ्वी पे आते नहीं, और जो ये कर रहे उसमें कार्य जिनका होता नहीं, इनके कर्म इनके कटते नहीं, क्योंकि कर्म कटने के लिए क्या चाहिए, कुदरत कला। कर्म कटने के लिए क्या चाहिए, नयनचर सतकला। जो सतकला इनके पास धरड़े में है नहीं, जो मार्ग में सतकला है नहीं, तो सत्यकला तो जब आपके पास संत हयात में रहेंगे उनके पास ही सत्यकला रहती है, तो सत्यकला मार्ग में है नहीं। क्या कहते, जामे काज नहीं कुछ काई सो सबके मन भावे, ऐसा सबके मन में बात रहे। देखो आप कैसी बात है। इस पर से एक मैं आपको उदाहरण देता हूं कि अगर किसी को बोला कि एक घंटा तो राम राम कर बैठ के मस्त ऐसे मांडी मार, और एक मन से अंदर से बिल्कुल क्या बोलते हैं निज मन से बराबर यहाँ पे ख्याल रख या फिर श्वास पे ख्याल रख, धारोधार राम 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 कर एक घंटा, तो एक घंटे में 50 उपाशा देंगे, 50 उपाशिया ने जब आदमी बोर हो जाता है तो आ करता है बराबर 50 उपाशा दे, इधर पैर करेंगा ऐसा करेंगे, मुंग्यारी बोलेंगे, मांडे इधर करेंगे। अगर उसको बोला कि जहाँ वहाँ मेला लगा हुआ है मंदिर में, या फिर वहाँ पे झूले चल रहे हैं सोमवार के, श्रावण सोमवार के झूले चल रहे हैं, तो बिना चप्पल के जाएगा, 2 घंटे लाइन में खड़ा रहेगा बराबर झूला देखने के लिए, 4 बजे 5 बजे कब नंबर आता, क्योंकि वहाँ बातें गप्पे ये वो जो मन को अच्छे लगने वाली चीज़ें वहाँ पर मिलते रहती। यहाँ पे तो मन को अच्छा, तो इसमें बहुत अच्छा लगता है मन को जब भक्ति करते हो तब बराबर, मगर उसके लिए मन को पहले पकड़ना पड़ता, मन को स्थिर करना पड़ता, मन पे काबू करना पड़ता, जो मन काबू होता नहीं मन को पकड़ के लाना पड़ता, मन भक्ता। और यहाँ पे मजा आती, यहाँ पे थोड़ा सा पहले जान पे आती, बोर होता आदमी, इसलिए ये चीज करते नहीं लोग। गुरु महाराज ये कहना चाहते हैं, एक बार नयनचर की प्राप्ति होने के बाद फिर मन को कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस उस पर लगा दो आप, चलने दो बिल्कुल आराम से मस्त, धीरे धीरे। जब नयनचर की ध्वनि 24 घंटे चलती है आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, ध्यान लेके बैठ जाओ, बस चालू करो, सुनो ध्वनि और कुछ भी नहीं, कोई मन भटकता नहीं इधर उधर कुछ नहीं, ऐसी बात बनती। तो कहने का मतलब कि यह जो धरने वाली बात है, यह जो मार्ग वाली बात है, यह जो पंथ वाली बात है, यह लोगों को बहुत अच्छी लगती, मगर जब काम सही में जब काम होता तब वो काम करता नहीं। बस यही छोटी सी चीज गुरु महाराज कहना चाहते। क्या कहते आगे, क्या मैं कहूँ जगत की भाई इनका यही विचारा, यानी बहुत ही छोटे से इसमें गुरु महाराज ने लिख दिया कि लोग ही ऐसे बेचारे क्या करेंगे, यानी इनके तकदीर ही ऐसे है, यानी परमात्मा इनके सामने खड़ा है बैठा हुआ है। गुरु महाराज कहते हैं कि मैं परमात्मा ही हूं, मैं स्वयं परमात्मा ही हूं, यह परमात्मा मैं सामने इनके बैठा हूं, मगर यह मुझे परमात्मा समझते नहीं, चाहना परमात्मा में मिलने की करते। जो मेरे पास अगर आ जाते, मेरे शरण में आ जाते तो परमात्मा स्वरूप खुद बन जाते, मगर मेरे में क्या ताकत है, मेरे में क्या शक्ति है, यह इनको समझ में नहीं आती। बोल बोल के समझाता हूं तो भी समझ में नहीं आती, ये मेरी निंदा करते। क्या इनके भाग्य ही ऐसे, इनके तकदीर ही ऐसे, इनके प्रारब्ध ही ऐसे। क्या मैं कहूँ जगत की भाई इनका यही विचारा, साच बचन साची चल त्यागे कूड़ी लगे प्यारा। सच्चे बचन, सत की संगत
सत सत जो चीज है उसकी संगत नहीं करेगा। देखो अभी आप सम हई वैसी चीज, हई वैसी चीज, सत्संगत चल रही है। यहाँ पे बोलो बैठने के लिए, आओ बैठो, सुनो तो 10 लोग मिलेंगे बड़े मुश्किल से, 1000 को बोला तो, और किसी को बोला कि चल भी उधर मस्त डांस हो रहे है, डिस्को डांस हो रहे है, और क्या क्या गाना बजाना, और फिर तुम्हारे दारू सब खाना पीना, तो 1000 लोगों को जिनको बुलाया वो तो आएंगे, और साथ में और आजू बाजू वाले भी आएंगे ही आएंगे। मतलब कूड़ी लगे प्यारा, समझता कि गलत बात है मगर फिर भी उसमें लगे रहेंगे, समझता कि ये सही बात है मगर मान के नहीं आएंगे, सोच के नहीं आएंगे, आएंगे नहीं। तो क्या कहते, क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचारा, साच बचन मेरे, बचन साच है, सच्ची है। अब यह बचन यानी परमात्मा के बचन है, आप ख्याल में लाओ जी, यह बचन यानी परमात्मा के बचन है, यह ज्ञान यानी परमात्मा का ज्ञान है, कुदरत कला का ज्ञान है, और यह ज्ञान बचन जब शिष्य को देंगे, बचन जब शिष्य को देंगे, ज्ञान जब शिष्य को देंगे, तो ज्ञान शिष्य में कुदरत कला जागृत होती, कुदरत कला जागृत होती, और यह कुदरत कला ऐसी है कि जो यह 6 पूरब के स्थान और 6 पश्चिम के स्थान छेदन करके यह हंस को उस परम मोक्ष में लेके जाती, उस परम मोक्ष में लेके जाती, ऐसी कुदरत कला है। सच्चा ज्ञान, साची ज्ञान, साची चाल रीत, कौन सी रीत है सच्ची, कौन सी रीत है कि भेद सहित ज्ञान घट आवे, भेद सहित ज्ञान घट आवे, ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव, प्रेम भाव ने छो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाई, दूजी नहीं सृष्टि में भाई, भेद सहित ज्ञान घट आवे। गुरु महाराज भेद दे रहे, भेद आने ऐसा राम स्मरण कर, ऐसा राम स्मरण कर, कंठ पे ख्याल रख और निज मन से राम 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 कर, ये हो गया भेद, तो इससे तुझे अमर पद मिलेगा, बाकी भक्तियों से तुझे 84 मिलेगी। ज्ञान दे रहे, ज्ञान दे रहे, भेद बता रहे, भेद सहित ज्ञान घट आवे, और ज्ञान घट में आ रहा है इनके, भेद राम 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 कर रहा है तो यहाँ पे स्थान जागृत हो रहा है, भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव, जब यह ज्ञान बताते, जब यह ज्ञान बताते, शिष्य से प्रेम, शिष्य का प्रेम गुरु के प्रति उत्पन्न होता, प्रेम जागृत होता, गुरु के प्रति भाव जागृत होता, गुरु के प्रति विश्वास जागृत होता, और मोक्ष मिलन की यही उपाय, जैसे विश्वास जागृत हुआ आपके घट में नयनचर की प्राप्ति हो जाती, जैसे आपके घट में नयनचर की प्राप्ति हो गई, यह कुदरत कला आपके 6 स्थान पूरब के, 6 स्थान पश्चिम के छेदन करके वह अखंड ध्वनि लगा देते। तो क्या कहते, साच बचन साची चल त्यागे, यह सच्चे बचन और सच्ची चाल, यह तो त्यागते, यह तो त्यागते। कूड़ी लगे प्यारा, कूड़ी यानी कचरा, यानी जिसमें काम नहीं होता, जिसमें काम नहीं होता यह प्यारे लगते। अब कूड़ी यानी क्या, तो अभी कूड़ी यानी आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, कूड़ी यानी होनकार की कोई भी चीज, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश के ज्ञान, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, पुराण पढ़ो, कि जिसमें कुदरत कला नहीं है, जिसमें कुदरत कला नहीं है, जिसमें नयनचर, जिससे नयनचर की प्राप्ति नहीं होती, या कोई भी ऐसा ज्ञान है जिस ज्ञान में नयनचर की प्राप्ति होती नहीं, उसको गुरु महाराज ने कूड़ी बोला है। आप छोटी सी भाषा में ख्याल रखो जी, जिसमें नयनचर की प्राप्ति होती है उसको सत बोला है, उसको साच बचन बोला है, साची चल बोला है, साची चल, और जिसमें कुदरत कला जागृत होती नहीं उसको कूड़ी बोला है, कूड़ी आने बिना काम का, काम काम में न आने वाला, काम में न आने वाला, आने वाला बराबर। अब यह काम में क्यों नहीं आता, अगर आप होनकार की कोई भी विधि करो, आप भक्तिभाव करो, कोई भी भक्तिभाव करो, बहुत तन मन से ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करो, 33 कोटि देवी देवताओं की भक्ति करो, देवी शक्ति की भक्ति करो, परब्रह्म की भक्ति करो, आपको परम मोक्ष नहीं मिलेगा,
आपकी 84 लाख योनियां नहीं जाएगी। आप विष्णु बन जाओगे, आप ब्रह्मा बन जाओगे, आप शंकर बन जाओगे, मगर 84 लाख योनियां आपके पीछे लगी हुई नहीं जाएंगी। आपको गर्भ में आना निश्चित है, गर्भ आपका छूटेगा नहीं, आपकी आदि आदि उपाधि चलती रहेंगी। तो गुरु महाराज कहते कि इतनी बढ़िया चीज है यह साची चाल जो है, साचे वचन जो है, यह लोग त्यागते, और जो कूड़ी कचरा है जिससे तुम्हारा काम नहीं होता, जिससे तुम्हारा कार्य नहीं होता, वह यह लोग इनको प्यारा लगता है, प्यारा लगता है। क्या कहते हैं आगे देखो आप, समझ सको तो हंसा समझो मत जग संग बह जाओ। देखो आप कितनी, गुरु महाराज ने एक एक चीज बताई हुई है। हंस यानी जो मोती चुनता, हंस जो मोती चुनता, और कौवा जो मराठी में विष्टा बोलते, यानी जो गंदगी खाते रहता। कौवा जहाँ वहाँ चोच मारता, हंस मोती ही चुनता, और कौवा जहाँ वहाँ चोच मारता। हंस गुरु महाराज हंस कहते हैं, हंस यानी जिसको परमात्मा की चाहना है वह हंस। जिन जिन लोगों को परमात्मा की चाहना है ऐसे हंस, हंसों को गुरु महाराज कहते कि हंस। और बाकी जिनको परमात्मा की चाहना है ही नहीं वो कौवे जैसे हो गए। फिर सीधी सी बात है कि बढ़ रहो यहाँ पे कर्मकांड में चोच मारते रहो, कर्मकांड में चोच मारते रहो, और अपने बार बार 84 में आते रहो, बार बार नरक में आते रहो। जो हंस है मोती जैसा, वो नेचर जो है वो मोती जैसा, मोती चुनो आगे के इनसे पीछे के क्लियर करो स्थान, और उस ससुर के देश में चले जाओ, उस सुखों के सागर में चले जाओ। बस यही गुरु महाराज कहना चाहते। समझ सको तो हंसा समझो मत जग संग बह जाओ। हंसा समझो, तुम जूक के संग बह मत जाओ। जूक के संग, जग के संग बह मत जाओ। कि जग क्या कर रहा है देखो आप, जग क्या कर रहा है, पहली साखी देख लो आप। जो जो संत मांड में आया हंस तारण को सोई, से दे था क्या निंदा जग की भी। जग क्या कर रहा है, ये सत्स्वरूपी संत सामने बैठे हुए हैं, मगर जग क्या कर रहा है, निंदा कर रहा है। चरणा पड़ा न कोई, और चरण में नहीं पड़ रहे, निंदा कर रहे, शरण में नहीं आ रहे, निंदा कर रहे। दूसरा क्या कहते गुरु महाराज, पाचे सकल करे जग मई माधर ढो सकल सरावे। मेरे तो शरण में नहीं आ रहे, मगर मैं जाने के बाद, या फिर जो संत जब हयात में थे उनके शरण में तो नहीं आए, मगर वो जाने के बाद जो पंथ है वो पंथ को लग गए। पंथ की महिमा कर रहे, जहां पे काम होता नहीं, जहां पे कारज होता नहीं, जहां पे ससुरूप में जाया जाता नहीं, जहां में कारज नहीं, उनके मन में वो भारा है। फिर क्या कहते गुरु महाराज, क्या मैं कहूँ जगत की भाई, साच वचन साची चल त्यागे। सच्चे वचन जो संत के है, कैवल्य संत के, और सच्ची चाल जो ससुरूप में मिलाती, वह चाल को त्यागता और बाकी की बातें करता जिससे ससुरूप नहीं मिलता। क्या कहते गुरु महाराज, क्या कहते आगे, क्या मैं कहूँ जगत की, समझो समझ सको तो हंसा समझो। गुरु महाराज कहते हैं यह हंस आप समझना है तो समझ लो, इनके साथ बह के मत जाओ। जो निंदा करते इनके साथ मत बह के जाओ, जो पंथों में चलते उनके साथ मत बह के जाओ, जो सच्ची चीज छोड़ देते और नुकसान करने वाली चीज में लग जाते उनके साथ आप मत बह के जाओ। सत्य स्वरूप केवल पद आनंता सो मन लाओ। आप जो मैं बता रहा हूं सत्य स्वरूप का पद, जो कैवल्य पद, उस कैवल्य पद से आप मन लगाओ, उस कैवल्य पद से आप मन लगाओ। मतलब हंसों को गुरु महाराज कहते हैं
कि कैवल्य पद की भक्ति करो और बाकी भक्तियां सब छोड़ो। गुरु महाराज ये कहते हैं।